नमस्कार, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की अपील पर नेताओं से लेकर छात्रों तक सभी क्षेत्रों के लोगों ने रविवार को एक घंटे के श्रमदान में हिस्सा लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ में झाड़ू थामकर एक पार्क में सफाई की। प्रधानमंत्री ने फिटनेस और वर्कआउट की पारंपरिक व देसी शैलियों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्धि हासिल करने वाले अंकित बयानपुरिया के साथ एक पार्क में श्रमदान करने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज जब राष्ट्र स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बयानपुरिया और मैंने भी ऐसा ही किया। स्वच्छता से परे हमने फिटनेस और बेहतर स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया। ये सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बारे में है। वीडियो में प्रधानमंत्री और बयानपुरिया स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बयानपुरिया से स्वच्छता अभियान में फिटनेस के महत्व पर बात की। इस पर बयानपुरिया कहते हैं कि वातावरण स्वस्थ रहेगा तो फिटनेस भी बरकरार रहेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि वो कितनी कसरत कर पाते हैं। जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए मैं अनुशासन का पालन करता हूँ। दो चीजों में अभी अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, एक तो खाने का टाइम नहीं और दूसरा सोने के लिए मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते कहा कि आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बयानपुरिया और मैंने भी ऐसा ही किया। अंकित के साथ पीएम मोदी ने बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की अपील पर नेताओं से लेकर छात्रों तक सभी क्षेत्रों के लोगों ने रविवार को एक घंटे के श्रमदान में हिस्सा लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ में झाड़ू थामकर एक पार्क में सफाई की। प्रधानमंत्री ने फिटनेस और वर्कआउट की पारंपरिक व देसी शैलियों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्धि हासिल करने वाले अंकित बयानपुरिया के साथ एक पार्क में श्रमदान करने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज जब राष्ट्र स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बयानपुरिया और मैंने भी ऐसा ही किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में धीरे धीरे स्वच्छता का वातावरण बन रहा है और अब तो बच्चे भी बड़ों को गंदगी फैलाने पर टोकने लगे हैं। बयानपुरिया को वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है, आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।